कोरोना की मार से बेरोजगार हुए ट्रक मालिक उभर भी नहीं पाए थे कि पांच राज्यों को जोड़ने वाले मिर्जापुर के शास्त्री सेतु पर मालवाहक ट्रकों को 25 टन से अधिक माल लादकर गुजरने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। बेरोजगार हुए ट्रक मालिक फाइनेंस की किश्त जमा न कर पाने से अपने वाहनों को परिवहन विभाग में सरेंडर करने को विवश हो गए हैं। काम ठप होने से दो वक्त की रोटी का जुगाड़ बिगड़ गया है, ऊपर से किश्त न जमा करने पाने की चिंता और तगादा ने बेहाल कर दिया है। मार्च माह में धमके कोरोना के चलते ट्रकों का परिचालन क्या रुका, ट्रक मालिकों की कमर ही टूट गई। इसके बाद जिले को पांच राज्यों से जोड़ने वाले मिर्जापुर में बने शास्त्री सेतु पर भारी वाहनों का प्रवेश वर्जित कर दिया गया। जिले के पत्थर और बोल्डर को विभिन्न प्रांतों तक पहुंचाने के लिए फाइनेंस पर ट्रक खरीदने वाले मालिकों के सामने समस्या विकराल स्वरूप के साथ खड़ी हो गई। पुल से ट्रकों की आवाजाही पर रोक के चलते उचित दाम तक नहीं मिल पा रहा है। ट्रकों की किश्त टूट गई है, जिसे जमा करने का दबाव बनाने के लिए फाइनेंस कंपनी की ओर से चेतावनी दी जा रही है। आमदनी बंद होने के बाद सैकड़ों ट्रक मालिकों ने अपने वाहनों को सरेंडर कर दिया है। शास्त्री सेतु पर भारी वाहनों का आवागमन बंद होने से ट्रक मालिकों पर असर पड़ रहा है। ट्रकें इसलिए खड़ी हैं कि हम लोगों ने यहाँ मिर्जापुर का पूरा व्यवसाय जो था पत्थर का व्यवसाय था। पत्थर का व्यवसाय होने के कारण हम लोग यहाँ से गोरखपुर के लिए गाड़ियाँ पत्थर के लिए काम करते थे, गिट्टियाँ भी भेजते थे, जो कि शास्त्री पुल बंद हो गया। शास्त्री पुल बंद हो गया, बंद हुए कम से कम दो साल से ऊपर ही होने वाला है, और जिसके वजह से हमने लोन पे जो गाड़ियाँ लिया था उसका लोन का पेड़ नहीं कर पा रहा हूँ, मंथली किस्त नहीं दे पा रहा हूँ। हमारे कार्यालय में सरेंडर किए गए हैं, चूँकि वाहन स्वामी इस समय कोरोना काल में उनको व्यवसाय नहीं मिल पा रहा है, तो गाड़ियाँ खड़ी माने नियम यह है कि वाहन स्वामी जो है वो 3 महीने के लिए अपने वाहन को कार्यालय में सरेंडर कर सकता है, अपने अभिलेख सारे जो है कार्यालय को सौंपने होंगे, और गाड़ी कहाँ खड़ी रहेगी ये पता ही दर्ज कराना होगा, क्योंकि गाड़ी खड़ी करने के स्थान पे रैंडम चेकिंग होगी, अगर वाहन चलता हुआ पाया जाएगा तो 5 गुना टैक्स उससे लिया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में वाहन स्वामी अगर व्यावसायिक वाहन का उपयोग नहीं कर रहे हैं या वाहन खड़ी है तो 3 महीने के लिए वो सरेंडर कर सकते हैं, अगर उससे अधिक की अवधि की ज़रूरत है तो उसको RTO महोदय के अनुमति से अधिक समय के लिए भी सरेंडर कर सकते हैं। ट्रकें खड़ी के पहले हमारा लोग का सब दिन से ही धंधा चल रहा है, बहुत दिन से पहले पुल गड़बड़ हो गया, पुल होने के बाद फिर कोरोना से, अब किस्त वाले जो है किस्त नहीं मान रहे हैं, वो अपना जो कहे थे कि मोटोरियम मिलेगा वो मिल गया, वो कुछ भी नहीं, किसी तरह से इस गाड़ी का उस गाड़ी में, इस गाड़ी का उस गाड़ी में करके चला रहे हैं। मिर्जापुर से अजय दुबे की रिपोर्ट।